हेलो गाइज, वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज शालू और इस चैनल पर आपको मिलते हैं फैशन, मेकअप, ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोज़। और आज की वीडियो है नायका से मेकअप शॉपिंग, नायका हॉल बेसिकली। तो नायका पे सेल चल रही थी, एंड ऑफ सीजन सेल, जिसमें मैंने की है इतनी सारी शॉपिंग। एंड और उन लोगों के लिए जिनकी ये एंड ऑफ सीजन सेल मिस हो गई है, तो अभी नायका पे चल रही है पे डे सेल। आप उसमें से भी शॉप कर सकते हो। जितना भी ये सामान है मेरे पास, ये मोस्टली 300 के अंडर है। मे बी एक दो चीज़ 500 के आसपास है, बट मोस्टली इट्स बजट फ्रेंडली अंडर 300 रुपीज़, 300-350 मैक्सिमम। इट्स गोइंग टू बी 500। और या तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं ये बड़े वाले बॉक्स से। तो इसमें देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या मंगाया है। तो इस बार मुझे इतनी जल्दी सामान रिसीव हुआ है ना, आई थिंक विद इन 2 days or 3 days मैक्सिमम आई गॉट माई एवरीथिंग। जो भी मैंने ऑर्डर किया मुझे सब कुछ रिसीव हो गया था। तो बहुत ही क्विक सर्विस रही है इस बार उनकी। और मैंने आई थिंक शॉपिंग की है इस बार अराउंड 8,000 रुपीज़ की। सोचो, मैंने सिर्फ और सिर्फ 200-300 रुपये वाला सामान मंगाया, लेकिन इट गॉट 8,000। तो लेट्स सी कि मैंने क्या क्या मंगाया है। ओके, तो इसको ओपन कर लेते हैं। सो या अभी तक मैंने ओपन भी नहीं किया है किसी भी पार्सल को। आई थॉट कि मैं जब वीडियो बनाऊंगी तभी मैं ओपन करूंगी, ताकि आप लोगों के सामने ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन रहे कि मैंने क्या मंगाया है और कैसा मंगाया है। वैसे मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मोस्टली नायका से आप कुछ भी मंगाते हो ना, तो वो अच्छा ही होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई इशू आने वाला है। बट स्टिल आप किसी भी साइट से कुछ भी मंगाओ, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ मेक अ वीडियो। आप उसको ओपन करते वक्त एक वीडियो ज़रूर बना लें, ताकि आपके पास प्रूफ हो इन केस आपका कोई प्रोडक्ट डैमेज आता है या फिर नहीं आता है या कोई भी ऐसा इशू आता है, तो आपके पास एक यू नो ओपनिंग का वीडियो होगा, ताकि आप एज अ प्रूफ उसको यूज़ कर सकें। बाकी नायका से मेरा एक्सपीरियंस कभी भी ऐसा कुछ रहा नहीं है। नायका एक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चीज़ें भेजता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये मंगाया है वेट वाइप। तो ये टुलिप की वेट वाइप है। आई थिंक दिस इज़ फॉर 40 or 45 रुपीज़ शायद। हाँ, ये 20 वाइप्स हैं इसमें, और ये काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली मैं जो वाइप यूज़ करती हूँ वो मैं बड़ा पैकेट मंगाती हूँ, बट ये मैंने ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग मंगाया। अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो तो आपको यू नो छोटा एक पैकेजिंग आपके पास होना चाहिए, जो कि आप इजीली कैरी कर सको। तो उस हिसाब से मैंने ये वेट वाइप्स मंगाए हैं। नेक्स्ट आइटम जो कि ऊपर ही है, दिस इज़ आईब्रो पेंसिल। ये स्विस ब्यूटी की है। प्राइस इसका आई थिंक अंडर 50 रुपीज़ है, बट मेरे को श्योर नहीं है। मैं सब चीज़ों के स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगी प्राइस के साथ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूंगी। और हाँ, प्लीज़ अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है बेबी के रोने की, तो इग्नोर कर देना। आई रिसेंटली हैड अ बेबी, सो या वो बहुत छोटा है भी तो रो सकता है, यू नो। सो हाँ, ये बहुत सारे शेड्स में मिलती है। मैंने ब्राउन मंगवाया है, बिकॉज यू नो आम ब्लैक यूज़ करता हूँ ना, तो बहुत फेक लगती है। ब्राउन इज़ द क्लोजेस्ट कि आपका नेचुरल लग रहा है। ओके, लास्ट सेकेंड सॉरी थर्ड प्रोडक्ट इज़ मैंने मंगाया है ये ब्रॉन्सन के पाउडर पफ है। ये इसका प्राइस इस पर लिखा है 210 रुपीज़, लेकिन मैंने मंगाए हैं 146-145 आई थिंक। और ये पिज़्ज़ा पफ वाले हैं दो, ठीक है, ये दो का पैक ही था। दिस इज़ यू नो आप इससे आपका पाउडर भी सेट कर सकते हैं, एंड ये आपका अगर आप किसी और का मेकअप कर रहे हैं, तो यू नो आप कई बार क्या होता है, आप मेकअप कर रहे हो तो और आपका हाथ लग जाता है या मेकअप स्मच हो जाता है, उन सब चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा। आप इसको फिंगर में पकड़ के ऐसे करके स्ट्रेच कर सकते हो, एंड अदरवाइज भी ना ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मैंने ब्रॉन्सन का मंगाया है, आप कोई भी ब्रांड मंगा सकते हो, बट ब्रॉन्सन इज़ अ वेरी गुड ब्रांड एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट इज़ जो मैंने मंगाया है, दैट इज़ प्रॉश का सिल्क ब्लर। ये वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, मतलब जो मैं बोल रही थी ना कि 500 से ऊपर या 500 के आसपास जाएगा, तो दिस इज़ गोइंग टू बी एक्चुअली इसका प्राइस 650 मेंशन है, बट मैंने जहाँ तक मुझे याद है आई थिंक 550 के आसपास कुछ खरीदा है।
और ये बहुत 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 अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब प्रॉश के ना एक्चुअली में सारे ही प्रोडक्ट अच्छे हैं, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मतलब मेरे फेवरेट हैं, तो ये उनमें से एक है। सिल्क ब्लर इसको बोलते हैं। दिस इज़ प्रॉश का सिल्क ब्लर मॉइस्चराइजिंग प्राइमर। ये आपका प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर दोनों का काम करता है। बहुत 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 अमेजिंग प्रोडक्ट है। अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। मतलब ये सारी स्किन पर चला जाता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है एक्चुअली में। ओके, नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है, इसको मुझे खोलने में थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है, बिकॉज यू नो इट्स टेप एंड ऑल। मुझे आई थिंक सीजर लेके बैठना चाहिए था, बट या मैं ऐसे काम करती हूँ ना। यस, तो ये है, या ये है कंसीलर पैलेट इनसाइट की। तो आप, मैंने इसका ना एक जो कलर वाला वर्जन आता है ना, जिसमें ऑरेंज, पीच, ग्रीन, पर्पल ये सब भी होते हैं, वो वाला है मेरे पास। बट मैंने इस बार मंगाया है ये प्योर कंसीलर पैलेट। इसके अंदर आपको मैक्सिमम कंसीलिंग के शेड्स मिलते हैं, तो मैंने वो ट्राई किया है, तो मुझे ये भी ट्राई करना था, इसलिए मैंने मंगाया है। बहुत ही अच्छा, मतलब वो प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आई थॉट कि लेट्स ट्राई अनदर वन। और इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ही क्रीमी और बहुत अच्छी पिगमेंट है, और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। आई थिंक मैंने इसको 180 और 200 के आसपास मंगाया होगा, नॉट श्योर, मैं मेंशन कर दूंगी जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया है वो है, इसको भी मुझे खोलना पड़ेगा, वो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है स्विस ब्यूटी का ही हाइलाइटिंग प्राइमर। ये भी मतलब एब्सोल्यूटली फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा। मतलब ये मेरा सेकंड बॉटल है, मैं पहले जो यूज़ कर रही थी वो भी शेड नंबर 01 कर रही थी ना, हाँ, नेचुरल टिंट में, और ये भी नेचुरल टिंट ही मंगाया है। इसमें पिंक टिंट भी आता है, गोल्डन भी आता है, बट मैं नेचुरल टिंट यूज़ करती हूँ, बिकॉज इसमें ना कोई कलर नहीं होता है। ये आपके मेकअप को बस एक शाइन और ग्लो प्रोवाइड करता है। आप इसका एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज मैं ऑयली स्किन हूँ, बट इसको मैं जो यूज़ कर आप इसको एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको एज अ प्राइमर हाईलाइटिंग दोनों तरह से यूज़ करती हूँ। आई लव दिस प्रोडक्ट, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं इसको। इसका प्राइस भी आई थिंक 250 और 300 के आसपास ही होना चाहिए, जितना मुझे याद है। ओके, नेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल है ये फेसेस कैनेडा का दैट मेकअप फिक्सर। इसका ऑलरेडी बड़ा बॉटल था मेरे पास, ये मैंने ट्रैवल साइज मंगाया है, छोटा पैकेजिंग पे आता है। ये 250 के आसपास है, 250-260, बहुत अच्छा है। अगर आप बजट में ढूंढ रहे हो तो आप फेसेस कैनेडा का मेकअप फिक्सर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब इसे सस्ता आई डोंट थिंक कोई और इस कैटेगरी में मुझे मिला है, बट या अगर आप अफोर्डेबल में ढूंढ रहे हो तो फेसेस कैनेडा इट इज़। यस, अनदर थिंग इज स्विस ब्यूटी का कंसीलर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल कंसीलर जो मैंने ट्राई किया है। जो मैंने ये शेड मंगाया है, दिस इज 03 लाइट मोयन। ये ब्राइटनिंग कंसीलर मंगाया है मैंने, मतलब मेरी स्किन टोन से एक शेड ऊपर है। मैंने लास्ट जो मंगाया था वो एक शेड डाउन था कलर करेक्शन के लिए, तो ये मैंने ब्राइटनिंग के लिए मंगाया है, आई मीन हाईलाइटिंग के लिए मंगाया है। तो आप ट्राई कर सकते हो, बहुत बहुत अच्छा कंसीलर है। 200 के आसपास है, आई थिंक 200-250 के। नेक्स्ट है ये पैकी लैश फिक्सर, दैट इज़ लैश ग्लू, बेस्ट लैश ग्लू जो भी मैंने ट्राई किया ना अब तक, बेस्ट लैश ग्लू है ये। ट्रांसपेरेंट है, और मतलब आप है वाइट कलर में, लेकिन जब आप इसको यूज़ करते हो तो जब ये सूख जाता है तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। बहुत बहुत अच्छी ग्लू पावर है इसकी, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ये महंगा प्रोडक्ट है, दिस इज़ 495, और इस पर मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, दिस इज़ 495 ही मुझे ये मिला है। नेक्स्ट इज दिस फिटमी का मैट पोरलेस फिटमी फाउंडेशन। यस, दिस इज़ 220 शेड। ये मतलब मैंने 225 यूज़ किया है, 125 यूज़ किया है, दैट इज़ नेचुरल बेज आई गेस, जहाँ तक मुझे याद है ये 220 है, और ये मेरे स्किन टोन से एक शेड लाइटर है। ठीक है, तो मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए मंगा लिया है,
बाकी ये लेट्स सी कि मेरे ऊपर कैसा काम करता है। बट हाँ, फाउंडेशन बहुत बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने छोटा पैकेजिंग मंगाया है कि अगर यू नो फुल साइज मंगा लूँ ना मुझे सूट करे, इसके लिए मैंने छोटा साइज़ मंगाया है। नेक्स्ट इज़ स्विस ब्यूटी का ही आई लैश ग्लू। मैंने स्विस ब्यूटी की लैशेस ट्राई की हैं, बहुत अच्छी हैं, बट मैंने इसका लैश ग्लू ट्राई नहीं किया था, तो मैंने लैश भी मंगाई है, आई गेस मैंने लैश मंगाई है, तो मैंने सोचा कि इस बार इसकी लैश ग्लू भी ट्राई कर लेती हूँ। इसका प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी, आई एम नॉट श्योर इस पे लिखा है कहीं, बट या मैं मेंशन कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट मैंने मंगाया है रिकॉर्ड का एस ऑफ बेस प्राइमर, बेस्ट प्राइमर, हैंड्स डाउन बेस्ट प्राइमर, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। कोई भी स्किन टाइप है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, आप इसको आंख बंद करके यूज़ कर सकते हो, आपका मेकअप बेस बहुत स्मूथ होने वाला है। महंगा प्रोडक्ट है थोड़ा सा, आई थिंक ये मैंने 600 के आसपास खरीदा है, यस ये सबसे महंगा है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वर्थ इट प्रोडक्ट है, ट्राई ज़रूर 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 करना अगर आप कुछ भी ट्राई करना चाहते हो तो। प्रॉश का मॉइस्चराइज़र और ये प्राइमर, रिकॉर्ड का प्राइमर ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा है। ओके, नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है, दिस इज़ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। यस, दिस इज़ स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, बहुत अच्छा मेकअप फिक्सर है ये, मेरा सेकेंड बॉटल है ये भी, मतलब अच्छा है, बट ये ऑब्वियसली बात है कि फेसेस कैनेडा से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। आई थिंक दिस इज़ 350 एंड दैट इज़ 250, तो 100 रुपीज़ का डिफरेंस है, बट अच्छा है। मैंने बहुत ही इसके वो सुने थे तारीफें यूट्यूब पर, तो आई थॉट कि मैं ट्राई कर लेती हूँ। मैंने एक बॉटल ऑलरेडी, मेरा ख़त्म होने वाला है, एंड दिस इज़ गुड इन दिस प्राइस, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट दिस इज़ लाइनर, ब्लैक लाइनर, लैक्मे का लाइनर है ये। मैं प्रॉश का यूज़ कर रही हूँ, प्रॉश का बहुत अच्छा है, बट मैंने सोचा कि एक बार लैक्मे का भी ट्राई करते हैं, तो दिस इज़ लैक्मे का लाइनर, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि कैसा लगा मुझे। नेक्स्ट इज़ रोज़ वाटर, T&W का रोज़ वाटर, जो एक लौता रोज़ वाटर है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये, मतलब मुझे याद नहीं कि मैंने कितनी बार यूज़ कर लिया है, बहुत बहुत अच्छा है, नेचुरल है एकदम। T&W के सारे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, बट ये हैंड्स डाउन द बेस्ट प्रोडक्ट, बहुत पसंद है मुझे, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको रोज़ वाटर यूज़ करना है तो आप T&W का यूज़ कर सकते हैं, ये आपका एज अ टोनर काम करता है बहुत ही अच्छा। और उसके बाद मैंने मंगाया है पैक का, दिस इज़ पाउडर, सॉरी दिस इज़ बनाना पाउडर एक्चुअली, नो दिस इज़ ट्रांसलूसेंट पाउडर। तो पैक का पाउडर मैंने ट्राई नहीं किया है, मैंने सुना है कि अच्छा होता है, तो मैंने इसका मिनी वर्जन मंगाया है। दिस इज़ लाइक 2 grams, बट यू नो पाउडर्स में 2 gram इज़ मोर देन इनफ टू ट्राई, तो इसका मिनी पाउडर, मिनी पैकेजिंग है ये, आप इसको ट्राई कर सकते हो, और मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊँगी कि मुझे कैसा लगा। दिस इज़ ट्रांसलूसेंट पाउडर 04। ओके, तो दिस बॉक्स इज एम्प्टी एज यू कैन सी। हम चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स पर। नेक्स्ट बॉक्स में मैं पहले से ओपन कर लूँ कि इसमें क्या आया है, तो देन आई विल शेयर। ओके, ये लोग ना पैकेजिंग बहुत अच्छी करके भेजते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आपका कोई प्रोडक्ट, मतलब मैंने बहुत सारे देखा है एक्चुअली लोगों की कि प्रोडक्ट डैमेज आ जाते हैं, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, नायका के साथ स्पेशली कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा प्रोडक्ट कोई भी डैमेज आया है, बट या होता होगा मेरे शायद लोगों के साथ, तभी लोग बोलते हैं ना यार झूठ तो कोई नहीं बोलेगा, आई गेस नहीं बोलेगा, बट या ओके। तो नेक्स्ट इज फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर, ये 220 शेड में ही मैंने मंगाया है, बिकॉज 220 शेड का ही मैंने फाउंडेशन मंगाया है, तो कॉम्पैक्ट भी मैंने उसी शेड का मंगाया है, ताकि यू नो वो मैच कर सके, ऊपर नीचे ना हो। तो ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, मैं जब ट्राई करूँगी तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि मुझे कैसा लगा। और उसके अलावा द OG प्रोडक्ट, मतलब इसके अलावा आई डोंट थिंक कि मैं कोई भी चीज़ यूज़ करती हूँ एज अ मॉइस्चराइज़र, दिस विल बी पॉन्ड्स का जेल मॉइस्चराइज़र। मतलब मैं हमेशा क्या ना इसे छोटे वाला पैकेजिंग होता है वो ऑर्डर करती हूँ, बट फाइनली मैंने इसका बड़ा टब मंगा लिया है, दिस इज़ द बिगेस्ट टब दे हैव, तो ये मैंने मंगा लिया है। दिस इज़ 300 समथिंग आई गेस, बट वर्थ इट, मुझे मतलब
मैं काउंट नहीं है मेरे पास कि मैंने कितनी बार इसे ऑर्डर कर दिया है। ये ही मैं विंटर्स में समर्स में मैं इसी को यूज़ करती हूँ। इवन ये मेरी स्किन को इतना ज़्यादा अच्छे से सूट करता है ना यार, मेरी ऑयली स्किन है बट ये मुझे इतना अच्छे से सूट करता है कि अभी मेरा ये ख़त्म हो गया था तो मैं यूज़ कर रही थी पॉन्ड्स का ही यूज़ कर रही थी बट क्रीम वाला यूज़ कर रही थी और मेरे को इतना ब्रेकआउट हो गया ना इस एरिया में। मतलब अगर आपकी सेंसिटिव स्किन भी है, ऑयली स्किन है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब इतना ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट। इसकी तो मैं जितनी तारीफ कर दूँ ना उतनी कम है। फॉर मी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है फॉर माई स्किन। आप ट्राई कर सकते हो, यू नो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, बट या कर मुझे ये पसंद है। आपकी अगर ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो आप उसे ट्राई कर सकते हो। हाँ, इस प्रोडक्ट की मैं बात करती थी पॉन्ड्स की, सेम है, जस्ट ये थोड़ी ड्राई स्किन के लिए काम करता है, ये ऑयली स्किन के लिए काम करता है। मैंने ये इसलिए मंगाया है बिकॉज इट्स विंटर, यू नो कई बार ऐसा होता है आपको कि आप बाहर जाते हो और आपको बहुत ज़्यादा खिंची खिंची स्किन लगती है, ड्राई लगती है। ऑयली स्किन वाले भी ना जब एक्स्ट्रा विंटर पड़ते हैं, मतलब हार्श विंटर्स पड़ते हैं, ज़्यादा विंटर्स होते हैं, तो हमारी स्किन भी थोड़ी सी ड्राई फील करती है। तो उस चीज़ के लिए मैंने ये पॉन्ड्स वाली मंगाई है, दिस क्रीम मॉइस्चराइजर। प्राइजेस मैं मेंशन कर दूँगी यार, आई डोंट रिमेंबर इसका प्राइस को, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है वो है लैश, यस दिस इज सिस ब्यूटी की लैश है, 3D लैशेज हैं ये, बहुत अच्छी है। दिस इज द लाइट वन, लाइट लैशेज हैं ये एकदम। इसका है पिक्सी, ये पिक्सी है, बहुत अच्छी है, मैंने पहले यूज़ कर रखी है। आई थिंक 100 रुपीज़ की मिलती है आपको, शायद 99 ईच की, पर अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप तो इसे 10-12 बार यूज़ कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, अच्छी है, आप ज़रूर ट्राई करना। एंड देन अगेन माय फेवरेट मार्स का मस्कारा। मैंने जब से मार्स का मस्कारा स्टार्ट किया है यूज़ करना, मैं कोई और मस्कारा नहीं यूज़ करती हूँ। दिस इज़ माय फेवरेट वन, फेवरेट फेवरेट। मैंने इस वीडियो में इतनी बार फेवरेट बोला है ना कि मतलब मुझे खुद को याद नहीं कि मैंने कितनी बार फेवरेट बोल दिया है, बट यार मैं क्या बताऊँ, इतने सारे मैंने मोस्टली ना कुछ प्रोडक्ट ना रीस्टॉक भी किए हैं, तो ऑब्वियसली रीस्टॉक बंदा उसी प्रोडक्ट को करता है जो कि आपको पसंद आते हैं। और इस वीडियो में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट रीस्टॉक किए हैं और वो सारे ही मेरे पसंदीदा हैं। ओके, दिस इज़ मार्स की आई शेडो पैलेट, कलर आई शेडो पैलेट। मेरे पास इनकी ब्राउन में, न्यूड में है ऑलरेडी। आई थिंक आई हैव 2 पैलेट्स मार्स की, दोनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये मेरे पास कलर पैलेट चाहिए थी मुझे, तो मैंने ये मार्स की कलर पैलेट भी मंगाई है। आई थिंक ये 350 के आसपास की है शायद, बट इसकी पिगमेंट बहुत 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 अच्छी है एंड 100% रिकमेंडेड। अगर आप कोई कलर पैलेट ढूंढो, कलर इवन दैट मैटर, आप ब्राउन में ढूंढ रहे हो, न्यूड में ढूंढ रहे हो, कलर्स में ढूंढ रहे हो, मार्स हैज़ सम गुड पैलेट, सम पिगमेंटेड पैलेट्स। तो आप आई शेडो पैलेट अगर आप अंडर बजट ढूंढ रहे हो तो भी ले सकते हो, अगर आपका बजट 1000-1000+ है तो भी आप, एक जश्न श्रृंगार आई थिंक है पैलेट का नाम, आप वो ले सकते हो, बहुत अच्छी है। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है, दिस इज ऑल्सो अ मार्स का फेस पैलेट। आई टोल्ड यू मार्स के मेरे पास बहुत सारे पैलेट्स हैं। मार्स मतलब अपनी मेकअप गेम को इतना ज़्यादा अप कर चुका है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल रहा है ना, लाइक मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत 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 अच्छे पैलेट्स निकाल रहा है। तो दिस इज़ अ फेस किट पैलेट। फेस किट क्या होता है ना, जिसके अंदर आपको आई शेडोज प्लस में ब्लश, ब्रॉन्जर एंड हाइलाइटर तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो दिस इज़ ब्लश, हाइलाइटर एंड ब्रॉन्जर एंड बाकी आई थिंक 9 कलर्स हैं, यस 9+1 ग्लिटर। तो दिस इज़ लाइक आपका ऑल इन वन पैलेट। तो ये 300 की है आई थिंक, 300-320, बहुत अच्छी पैलेट है, ज़रूर ज़रूर ट्राई करना। एंड प्लीज़ प्लीज़ इग्नोर द ऑल द वॉइस बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। ओके, ये भी खाली हो चुका है बॉक्स, एज यू कैन सी। नेक्स्ट मेरे पास 2 हैं छोटे छोटे, और ये तो मुझे खाली सा फील हो रहा है, बट लेट्स सी कि इसमें क्या है। खाली तो डेफिनेटली नहीं आया होगा, इसको खोलते हैं पहले, ठीक है, खाली वाले को बाद में खोलते हैं। तो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या है। यस 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 आई नो,
इसके अंदर है द लिपस्टिक पैलेट, लव अटली लिपस्टिक पैलेट मिनी वर्जन है ये, मतलब 2.0। ये मुझे ना एक्चुअली ब्रांड ने भेजी थी और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई ना, इतनी ज़्यादा पसंद आई है ये। इसके कलर्स इतने प्यारे कलर्स हैं, सब चीज़ों के लिए कलर्स हैं इसमें, डार्क मैरून, रेड, ब्राउन, लाइट शेड, न्यू शेड, एवरीथिंग इज़ देयर। फॉर्मूला बहुत ही लाइट और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मूला है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। 9 शेड्स होते हैं इसमें और ये आई थिंक 1000 रुपीज़ का, मतलब 999 की है फॉर 9 लिपस्टिक्स, तो 100 रुपीज़ अप्रॉक्स एक लिपस्टिक का। बहुत 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 हैंड्स ऑन बेस्ट लिपस्टिक्स है वो, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, स्पेशली अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, वैनिटी में रखना है या फिर आप ब्राइड होने वाले हो, आपको बहुत सारे लिपस्टिक्स चाहिए, तो ऐसा कुछ खरीद लो, ये बेस्ट है आपके लिए। मतलब 1000 रुपीज़ में 9 लिपस्टिक्स मिल रही हैं यार, और क्या चाहिए आपको, यू नो आप मतलब 100 रुपये की लिपस्टिक है यार, कम ऑन है। ओके द लास्ट थिंग, लास्ट बॉक्स, लास्ट थिंग, लेट्स सी इसके अंदर क्या है। यार मुझे लिटरली ना ये खाली फील हो रहा है, तो बिट स्कैर्ड कि मैं अभी इतनी तारीफ़ें कर रही हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि आज मेरे साथ स्कैम होने वाला हो, देर लाइक कि चलो चलो बहुत तारीफ हो गया। बट आई एम होपफुल कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेट्स सी कि क्या है इसके अंदर। यार आप लोग ना, मैं नाइफ लेके बैठी हूँ, बट प्लीज़ ऐसी गलतियाँ आप लोग ना करना, ठीक है। नाइफ मतलब इधर कटर लो, सीजर लो, कुछ भी लो, नाइफ से ना खोलने में बड़ी दिक्कत हो जाती है यार। ओके नहीं यार है तो देखो, कुछ कुछ तो है, ठीक है। स्कैम तो मेरे साथ डेफिनेटली नहीं हुआ। ओके ये है कलर पेंसिल्स, यस ये मेरे ख्याल से मिस चेस की है ना, हाँ मिस क्लेयर, सॉरी नॉट मिस चेस, इट्स अ मिस एक्लेयर। ये ब्लू और ग्रीन है, ये मेरे पास ना पहले भी ली हुई है मैंने, पर मेरा ना डार्क शेड है थोड़ा सा, इनसे एक शेड डार्क है, तो वो उतना ज़्यादा मतलब डार्क ग्रीन डार्क ब्लू है। मैंने मंगाया है लाइट ब्लू लाइट ग्रीन, बहुत अच्छी पिगमेंट है और इसमें ना हल्का सा, बहुत हल्का सा शिमर भी है। आप इसको लाइनर काजल दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो, एंड ये ईच 55 की और 50 रुपीज़ की है। बहुत अच्छी पिगमेंट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, डेफिनेटली ट्राई करना। इनके पास बहुत सारे कलर है, तो अगर आपको कलर्स का शौक है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो ये। आप अगर मतलब यू नो आप सिर्फ कलर लाइनर लगा के लिपस्टिक लगा लेते हो ना, तो ये आपके लुक को एक स्टेप ऊपर ले जाते हैं। तो आई लव कलर पेंसिल्स। ये सारा ही सामान था मेरे पास जो कि मैंने इतना सारा ऑर्डर किया था, ये सारा सामान कॉस्टेड मी अराउंड 8000 रुपीज़ सेल के अंदर। ओके सेल नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, बट ये सारे ही प्रोडक्ट जो मैंने मेंशन किए हैं मैं उनको टैग कर दूंगी। सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छे हैं मेरे, मोस्टली प्रोडक्ट्स मेरे रीपर्चेज हैं, तो मैं उनके लिए क्वालिटी का तो 100% श्योर हूँ, मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। बाकी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि मैं नए मैंने परचेज़ किए हैं, फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करने वाली हूँ, तो उनके लिए मैं ज़रूर रिव्यू डालूंगी कि कैसे हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी तब तक के लिए आप आपका ध्यान रखिएगा, बाय।